देख सकते हैं बहुत सारा श्रद्धालु यहाँ पे जलार्पण हो गया आपको। कितना समय लगा? अच्छा से हुआ, लगा लमसम 3 से 4 घंटा लगे थे हम लोग लाइन में। कहाँ से आप? बिहार सीतामढ़ी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए और आप लोग जयकारा लगा दीजिएगा हर हर महादेव बोलबम का। और देख सकते हैं निकाय द्वार के सामने अभी हम लोग हैं, हर हर महादेव बोलबम। दोस्तों स्वागत करते हैं ब्लॉगिंग आज यूट्यूब चैनल में, और आज भादो महीना का पहला सोमवारी है। ऐसे में कितने शिव भक्त पहुँचे हुए हैं आज आपको दिखाने वाले हैं, और सबसे पहले अभी शिवगंगा का आपको दृश्य दिखाने वाले हैं, उसके बाद पूरा लाइन दिखाएंगे। और इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते रहिएगा और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सभी को बोलबम, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। अभी आप देख सकते हैं ये शिवगंगा तालाब के ऊपर का रास्ते का पूरा नज़ारा है, और यहाँ से कांवरिया अभी जो है शिवगंगा जा रहे हैं, और अभी जो है स्नान करेंगे, फिर इन लोग को जो है जल संग्रह वगैरह होगा और लाइन लगने के लिए फिर इन लोग अभी जाएंगे। ठीक है, अभी पहुँच गए हम लोग शिवगंगा तालाब, और आप देख सकते हैं आज कुछ इस प्रकार पूरा जलस्तर इनका देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और कांवरियों का जो भीड़ है वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं अभी, और पूरा चारों साइड का आप दृश्य देख लीजिए। चारों साइड में जो सीढ़ियों पर कांवरिया जो अभी स्नान वगैरह कर रहे हैं, और फिर ये लोग जो है अभी जलार्पण करने के लिए लाइन में लगेंगे। ठीक है, तो अभी जलस्तर का बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार है, बहुत नीचे भी जा चुका है। इस बार बहुत कम ही बारिश हुआ, इसके कारण थोड़ा कम जो है इस बार शिवगंगा तालाब में आपका जलस्तर है, आप देख सकते हैं। चलिए अभी जो है पूरा लाइन आपको दिखाएंगे, और वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते रहिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी दोस्तों हम लोग शिवगंगा तालाब दिखाते हुए और आ चुके हैं ये मानसरोवर यानी कि क्यू कॉम्प्लेक्स के पास, और यहाँ पे आप ऊपर ओवर ब्रिज में देख सकते हैं आज कितना श्रद्धालुओं का जो भीड़ है, कितना लाइन जो है लंबा आज लगा हुआ देख सकते हैं। और चलिए पूरा जो है लाइन में आपको अभी दिखाएंगे, फिलहाल थोड़ा जूम करके मैं आपको अभी दिखाते हैं कितना जो है क्राउड है इसमें। भाई साहब देख सकते हैं कितना भीड़ है, पूरा लाइन जो है एकदम भर चुका है कांवरी से। चलिए लगातार मैं आपको दिखाते हुए चलेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अभी आपका दोपहर का 12 बज रहा है, और इस समय आप देख सकते हैं कांवरी का जो लाइन है अभी भी जो है कम नहीं हुआ, लगातार कांवरिया जो है लाइन लगने के लिए आपका जा रहा है। इधर से देख सकते हैं आपका शिवगंगा से स्नान करके और सारे कांवरिया बंधु जो है अभी जा रहे हैं, सभी लोग जो है लाइन लगने के लिए, और यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार जो है इस लाइन का भीड़ है। चलिए आगे मैं आपको लेकर चलते हैं और दिखाएंगे अभी पूरा कितना लाइन जो आज लंबा लगा हुआ है। और ये जगह आपका ये जलसार पार का जो तालाब है वहाँ तक अभी जा रहा है, और इधर से फिर आपका घूमेगा और लाइन घूमते हुए जो है आपका फिर से इधर जो है आपका अभी क्यू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा। चलिए मैं आपको सब कुछ अभी दिखाते हुए चलेंगे, और अभी हमारे साथ इधर छोटू है, और देखिए हम लोग साइकिल से भी जो है पूरा कवर कर रहा हूँ वीडियो को, और साथ ही अभी बारिश का मौसम है, लगातार बारिश भी आपका हो रहा है, देख सकते हैं बारिश भी प्रारंभ हो चुका है। इस प्रकार सारे कांवरिया जो है अभी भीगते हुए और लाइन लगने के लिए जा रहा आप देख सकते हैं, और ये आपका जलसार पार का नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार सारे कांवरिया जो है अभी लाइन लगने के लिए आपका जा रहा है, और कुछ इस प्रकार अभी बारिश भी प्रारंभ आपका हो चुका है। काफ़ी दिनों से गर्मी हो रहा था और आज बारिश हो रहा, तो काफ़ी अच्छा जो है मौसम आपका हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। आप देख रहे हैं अभी हम लोग जलसार पार्क से आगे आ चुके हैं, और ये 5-6 लाइन जो आपका यहाँ पे लगता है इस जगह पे आप देख सकते हैं किस प्रकार दोपहर के समय में आपका यहाँ पर भी भीड़ हो रहा है लाइन में। आप देख सकते हैं लगातार कांवरिया जो है यहाँ पे लाइन के माध्यम से भी गुजर रहे हैं बोलबम, और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इन लोग का जो है अभी यात्रा यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल मैं आपको लगातार यहाँ का अपडेट वगैरह दे रहे हैं, सोमवारी का दिन है, और वैसे में आप देख सकते हैं लगातार कांवरी का जो लाइन है वो इधर से आपका दौड़ते हुए भी जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देख रहे हैं बहुत सारा कांवरिया जो है अभी तिवारी चौक से होते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, और अभी मैंने आपको पूरा लाइन दिखाते हुए और आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग आज सोमवारी के दिन में जो है किस प्रकार बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में जो है आपका भीड़ है, नॉर्मल भीड़ है, लाइन जो है काफ़ी लंबा तो नहीं लगा हुआ था, फिर भी मैंने आपको दिखाया अभी, और देख सकते हैं बीच प्रांगण का ये पूरा अपडेट है। और सामने यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर, और इधर देख सकते हैं बहुत सारा श्रद्धालु यहाँ पे जलार्पण हो गया आपको। कितना समय लगा? अच्छा से हुआ, लगा लमसम 3 से 4 घंटा लगे थे हम लोग लाइन में। कहाँ से आप? बिहार सीतामढ़ी जिला नानपुर थाना पड़ता है गौड़ा गाँव से। पैदल यात्रा के या फिर गाड़ी? नहीं, गाड़ी से किए हैं जी। चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 घंटा में जो है श्रद्धालुओं का जलार्पण अभी हो रहा है, और पूरा प्रांगण का जो है दृश्य कुछ इस प्रकार है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चलिए बिल्कुल मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ,
और निकाय द्वार के सामने थोड़ा दिखाते हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रहा है। उस जगह का थोड़ा दृश्य मैं आपको अभी दिखाते हैं। चलिए भाई साहब, भीड़ देख सकते हैं। चैनल कौन सा? ब्लॉगिंग अजय। ब्लॉगिंग अजय अजय यूट्यूब पे। हाँ, कैसे पढ़ लिया? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी हम लोग पहुँच चुके हैं निकास द्वार के सामने, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा प्रांगण जो है आज कांवरियों से भरा हुआ है, और एक एक करके किस प्रकार यहाँ से जो है स्पर्श पूजा करके अभी निकास द्वार के सामने से निकल रहे हैं श्रद्धालु। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको दिखाते हुए और ये माँ तारा मंदिर के सामने से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो है किस प्रकार पूरा मंदिर का दृश्य है। सामने बाबा बैद्यनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए और आप लोग जयकारा लगा दीजिएगा हर हर महादेव बोल बम का। और देख सकते हैं निकाय द्वार के सामने अभी हम लोग हैं, यहाँ पे जो है कितना क्राउड है कांवरियों का, और मौसम काफ़ी अच्छा है अभी, पूरा एकदम जो है बादल छाया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा हर जगह पे कांवरियों का जो भीड़ है वो इसी प्रकार है, देख सकते हैं आप लोग। और चलिए अभी जो है इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए बोलबम, हर हर महादेव।